अब वो तेरी मर्जी है, किसको सच्चा मानता है किसको झूठा मानता है, तो फैसला करो। जो कुमारी सेंटर की 10 लोकसभा की यात्राएं हैं, वो कांग्रेस की है या कुमारी सेंटर की? देखिए ऐसा है, सब कांग्रेस में है, सबको पार्टी मजबूत करने का अधिकार है, कोई कैसे करे। कब बोल दिया ये, कितनी बार तो कहा आपने, कहा ये कांग्रेस विधायक दल का फैसला है, इस पर जाके पूछा। हां, हमें जो को कुमारी सेंटर प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि जिसका फैसला था वो था, कांग्रेस विधायक दल भी कांग्रेस का एक अंग है। कहीं भी जो मेरे को इनवाइट करेगा और कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो मैं समझ जाऊंगा। परफॉर्मेंस की बात है ना भाई, खुश तो मैं कह चुका हूँ। हम इस बात पार्टी जो जो जितनी उम्मीद थी पार्टी को, उस उम्मीद ने उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए, लेकिन परफॉर्मेंस से लोगों के हिसाब से संतुष्ट हैं। ऐसी बात नहीं है कोई बहुत ज़्यादा डिमोलाइजेशन हो गई है या हो गया, अभी उम्मीद है। सीट एक अलग बात है, सवाल तो वोट का है, देश का सरकार तो सीटों से ही बनेगी ना, वोट ज़्यादा एक राज्य में मिलेगी जिसमें ज़्यादा सीट आई है उसमें ज़्यादा वोट पड़ी। क्यों राजस्थान में, राजस्थान में 2% का फर्क है, हिमाचल में सरकार नहीं कमल की। सवाल ये है कि सरकार ना बनना इसके सरकार कांग्रेस को चिंता हुई या नहीं हुई? नहीं नहीं, वो तो देखो प्रजातंत्र में सब सरकार बनना चाहते हैं, नहीं बनती है तो एनालिसिस करते हैं उसका, लेकिन कमजोर नहीं है। टूट गई चाबी सर, एक प्रधानमंत्री ने एक अभी नया फॉर्मूला निकाला है रोडवेज की बसें, हरियाणा की रोडवेज जो बसें हैं अब वो शादी समारोह में भी आम आदमी बुक कर सकेंगे, शादी समारोह हो ऊपर भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कैसा देखते हैं? देखिए बसें घटा दी, लोग परेशान हैं और घट जाएंगी, लोगों की परेशानी से ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, पहले से घटी हुई है बसें, 2014 से भी कम है बसें। सर अनिल मित्र, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देख रहे सर, 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो इसको लेकर आप हम लोग क्या क्या रणनीति, आप किस तरह कदम उठाएंगे? भाई अनिल विज मेरे मित्र हैं, इनके साथ शुरू से ही ऐसा हो रहा है, गृह मंत्रालय दिया तो CID नहीं दी, यही यार स्वास्थ्य मंत्रालय में नहीं, वो सवाल ये है कि क्या एक मंत्री कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग की फाइल ना देखे, तो ये तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि सरकार का काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं? जब मंत्री काम निकलेगा तो उससे ऊपर तो मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री को देखना है। मंत्री कह रहे मैंने अपनी नाराजगी प्रकट की सीएम को, तो फैसला ले सीएम भाई। देखो सफरर कौन है? आम आदमी। हाँ वाई शुड दे सफर, हु इज द रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर? विपक्ष क्या कह रहा है, सीएम ले रहा है, विपक्ष कुछ भी नहीं, नहीं लेना चाहिए ना। विपक्ष तो ये कह रहा है सरकार जो है फैसले लेने काबिल ही नहीं है, ये तो सरकार विफल सरकार है, तो ऐसे तो आम बहुत सारे हो रहे हैं, कोई काम करिए हैं हाउस में उठाएंगे भी, हाउस में उठेगा मामला पूरा। ये जो आपने अभी कल कार्यक्रम किया लगभग लोकसभा के चुनाव से पहले तक कार्यक्रम लगभग जागरूक हो गया? नहीं अभी तो 24 फरवरी तक है, 4-5 मार्च को लग जाते हैं? नहीं नहीं 16 मार्च को लगती है, 4 से 16 के बीच में कोई एक इसमें और भी ऐड हो जाएंगे, अभी तो प्रोग्राम ही चल रहा है। पक्ष आपके इस पक्ष के मतलब एक रह गया सिर्फ दो तक लोकसभा को, तो इसमें सर अभी भी रह रहा है ये झज्जर में प्रदेश स्तर का ना जयंती, रविदास जयंती। कांग्रेस विधायक दल का और प्रदेश कांग्रेस का फैसला या कांग्रेस विधायक दल का है? नहीं प्रदेश का अध्यक्ष भी थे ये मिलके पीसीसी और सीएलपी का मिलके। तो कुमारी सैलजा जो अभी 10 लोकसभा क्षेत्र में यात्राएं करेगी और उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे नेताओं को मतलब खासकर जो मुझे नहीं बुलाते हैं उनके कार्यक्रम में, सबको बुलाते हैं ये हमारे, आपने पूरा सुना है बीच में दीजिए जवाब, जवाब देना कि हम तो बुलाते हैं, मुझे पता था आपका जवाब ये है कि हम तो बुलाते हैं, वो कहते हैं हमें बुलाते ही नहीं,
अब वो तेरी मर्जी है, किसको सच्चा मानता है किसको झूठा मानता है, तो फैसला कर ले। ये कोई बात है जो मैं कहूँ वो मेरी सुनो। मेरा सवाल इससे आगे का है। हाँ आगे का पूछ ले। वो जो कुमारी सैलजा की 10 लोकसभा की यात्राएं हैं, वो कांग्रेस की है या कुमारी सैलजा की है? देखिए ऐसा है, सब कांग्रेस में है, सबको पार्टी मजबूत करने का अधिकार है, कोई कैसे करे तो कोई करे अच्छा है। जहाँ तक सवाल है कार्यक्रम का और उनके जो कह रहे सबको बुलाएंगे, नहीं यात्रा करें कोई बात नहीं, सबको अधिकार है। आपको भी, मैं तो आज कांग्रेस में हो गया, मैं यात्रा करूंगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, कांग्रेस का प्रचार करने में कोई नहीं रोकेगा आपको। तो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस की सहमति होनी जरूरी है कि नहीं? नहीं नहीं, इसमें कोई सहमति नहीं। पर वो आपके विपक्ष आपके कार्यक्रम को कहा था प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, हमने तो कोई सहमति नहीं दी आपके कार्यक्रम, तो ये बोल दिया सरों। कब बोल दिया? ये कितनी बार तो कहा आपने, कहा कांग्रेस विधायक दल का फैसला है विपक्ष आपके पक्ष का। हाँ हमने जो कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष में कहते हैं, तो जिसका फैसला था वो था, कांग्रेस विधायक दल भी कांग्रेस का एक अंग है समझे। लेकिन कहीं भी जो मेरे को इनवाइट करेगा और कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो मैं उसमें जाऊंगा। बस मैंने जवाब दे दिया तेरे को, जवाब दे दिया, जवाब दे दिया यार, बहस की बात नहीं होती। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखो, आप भी एक सीनियर पत्रकार हो आप, आर्गुमेंट नहीं किए जाते। जो मेरे को जवाब देना था मैंने दे दिया आपको, दैट्स ऑल। हां बोलिए। जो अधिकृत कार्यक्रम होगा वो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा ऐसा है। पहले तो आप ये कह रहे थे ना कि भाई वो ये कहते हैं कि हमें नहीं बुलाया, राइटिंग में हमने बाकायदा टेलीफोन के साथ साथ लेटर भी हमने भेजे और उनसे कहा है कि ये प्रोग्राम इस तरह से विपक्ष आपके समक्ष और आप उसमें आइए, आपके पूरी तरह से व्यवस्था की जाए, उसका प्रभारी को भी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी इंफॉर्मेशन काफी जाती है। एक तो इस बात जो आप कह रहे हैं ना भाई, कौन सच्चा है कौन झूठा है, पहले तो ये बताइए, हमने राइटिंग में भेजे हैं पहली बात। दूसरा यार ऐसी बात क्यों करते हैं यार, जो ना आप सीनियर पत्रकार हो, अपनी बात को हमारे मुंह से क्यों करवाना चाहते हैं? आप सीनियर बात को आप भाई, डॉक्टर साहब देखो, आप जो ना जो हम कह रहे हैं आप उसको, डॉक्टर साहब देखो, बहुत यू आर एक्सीडिंग योर ब्रीफ, यू शुड नॉट एक्सीड योर बात को जो पत्रकार। दूसरा ये है कि कोई कांग्रेस जन कोई भी अगर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है तो करे, जहाँ तक पीसीसी और सीएलपी प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये जो है विधानसभा की जो पब्लिक मीटिंग या वर्कर मीटिंग, ये तो पीसीसी या सीएलपी का काम है, हमारे करते रहते हैं। इसमें कोई एआईसीसी से कोई जनरल सेक्रेटरी थोड़े इन्वाइट किए जाते हैं, जो बड़ी रैलियां होती हैं, जो विपक्ष आपके समक्ष थी बड़ी रैलियां थी उनमें इन्वाइट किया। अब ये छोटी है, इसमें हम सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भी जाएगी इन्फॉर्मेशन, जो आना चाहे जिस प्रोग्राम में आ जाए, जो जिस प्रोग्राम में आना चाहे आ जाए, जिस पर समय हो आ जाए, और जिस पर समय नहीं हो ना आए, सब पर कोई पाबंदी था ना कि भाई आप क्यों नहीं आए, जिस पर समय होगा वो भी एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी है, कई तरह के कभी उनको प्रभारी भी हैं दूसरे प्रदेशों में, समय होता है नहीं होता है, तो हर एक में थोड़ी सभी आ। डॉक्टर साहब जो तू कलवाना चाहता हम नहीं कहेंगे, सुन गया बस, कह दिया आप सारी बात बता दी, शुरू में यही किया था मैंने, यही जवाब दिया था, बट यू आर मतलब यू आर ए सीनियर मैन, थोड़ी सी ग्रेस रखनी चाहिए हर बात की, यू शुड बी ग्रेसफुल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।